बाय, चीयर्स। ये रहा एक ना। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं माला सिंह भाटी, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। सो और चाहे नवरात्रि के समापन हो चुका है, आप ब्लॉग देख चुके हो, तो आज है एक फिर बर्थडे ब्लॉग, जो लास्ट ब्लॉग में जो बच्चा कूद रहा था, फांद रहा था मेरी वीडियो में, ये उसी के बर्थडे का वीडियो। तो सेंटी का बर्थडे है और मैं जा रही हूँ, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं साड़ी पहनूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी साड़ी आधे से ज्यादा यहाँ पे है नहीं, उनको रेडी करवाने के लिए दिया, मेरे पास सिर्फ एक ही साड़ी है और एक प्योर की है रेडी, बाकी और प्योर की है वो मेरे पास रेडी नहीं है, मतलब उनमें फॉल वगैरह नहीं लगा हुआ। एक है साड़ी मेरे पास रेडी थी, उसका ब्लाउज भी है, लेकिन अब वो मुझे ब्लाउज नहीं मिल रहा, और सूट मैंने बेस सिलवा नहीं रखे अभी कोई भी, आधे से ज्यादा टेलर के पास पड़े हैं, मैं खुद भी नहीं स्टिच कर पा रही हूँ। अब मुझे लग रहा है कि सीरियस हो कि मुझे कुछ सूट स्टिच कर लेने चाहिए, टेलर और बाकी लोगों के, एक लेडी के पास पड़ा ही हो, उसने भी अभी तक नहीं दिया, तो मैं देखती हूँ ब्लाउज ढूंढती हूँ, नहीं मिला दिखाती हूँ आपको मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी, और अगर उसका ब्लाउज मुझे नहीं मिला तो मैं सोच रही हूँ मैं ये वाली साड़ी पहन लूँ, तो मैंने कभी पहना नहीं है, मतलब ऐसे नहीं पहना, ऐसे ही मैंने एक बार वीडियो के चक्कर में ये साड़ी पहनी थी, इसके बाद में मैंने साड़ी को कभी भी नहीं पहना, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका पेटीकोट तो मुझे मिल गया है, और अगर नहीं मिला तो फिर मैं ये बेस ही पहनूंगी, और अभी मैं इसका ब्लाउज ढूंढती हूँ, क्या पता हो, पता नहीं क्यों होता है, देखो कितनी गर्मी हो जाती है, क्योंकि पंखा मैंने अभी बंद कर रखा है क्योंकि ये ख़राब हो रखा है, इसमें से आवाज़ आ रही है, तो मुझे ये सच में मुझे पहननी थी, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी लूज़ हो गया, काफ़ी मतलब बहुत नहीं, 6 kg मैंने लूज़ कर लिया, तो अब आई होप ये जब मैंने ब्लाउज स्टिच करवाया था तब मेरा वेट ये 77-78 के आसपास था, तो आई होप कि ये मुझे सॉरी सो आई होप मुझे ये आ जाए, ब्लाउज ढूंढती हूँ यार। सो मेरा ब्लाउज मिल गया था, तो मैं यहाँ हो रही हूँ रेडी, और मैं कुछ नहीं, मैं ये मेरे पास कलर सेंस का क्या बोलते हैं प्राइमर है, और कलर सेंस का प्राइमर और मेरा जो फाउंडेशन मेबलिन का, और वो सब मैं एक साथ मिक्स करके लगा रही हूँ, क्योंकि अलग अलग कर, क्योंकि मेरी स्किन को मेकअप ज़्यादा सूट नहीं होता, तो इन सबको मैं हल्का सा मिक्स करके और अच्छे से फेस पे ब्लेंड कर लूँगी, तो वो हल्का सा टचअप आ जाता है, ज़्यादा मेकअप का कुछ ऐसा नहीं रहता। और ये ले रही हूँ मैं कंसीलर, जहाँ बेबी स्पॉट्स वगैरह है उनको कवर करने के लिए, और मेरे पास फेस पाउडर है मेबलिन का, लेकिन मैं फेस पाउडर बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते, वो सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं, वाइट टोन पाउडर, हाँ आप इसे लगा लीजिए, और कुछ भी लगाने की। तो मैंने साड़ी पहन तो ली है, पता नहीं कैसे लग रही है। हाँ ये दो प्राणी है, ये हमने बैलून वाले बुलाए हैं, जो आजकल बैलून वालों का स्टैंडर्ड हो गया है, अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। हाँ तो इसमें वैसे कैमरे में पता नहीं चलता ना हमने मुंह धो रखा है नहीं धो रखा। एक्साइटमेंट लेवल हाई हो रहा है इसका भी ज्यादा। चार्जिंग वाली होगी ना। तो
दिखाओ, सेंटी करके दिखाओ। ये हमारी जतल भाई सा है, माननीय युगवीर के बर्थडे पे बता रहे हैं। नहीं, इसमें कोहे है। और युगवीर की बुआ सा भावना सिंह भाटी यहाँ पधारे हुए हैं, धन्यवाद। और युगवीर के दादो सा नानो सा एक साथ एक मंच पे युगवीर के बर्थडे पे सेलिब्रेट करते हुए केक खिलाते हुए आपकी जोरदार तालियां चाहूंगा मैं। फोटो ले, फोटो। वाह 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 भाई वाह, वाह भाई वाह। युगवीर को आशीर्वाद देते हुए दोनों। और इसी साथ मंच के दया सिंह जी आशीष जी पधारे हैं। ये बीच में हाँ ये तो पैसा काम आसान कर दिया, फोटो ले लेना, फोटो ले लेना, ये तो बाद में काम आसान कर दिया। कुछ भी खिला दे यार, गोला गोला नहीं चॉकलेट, ये हाँ बोल जो ही खिला दे तो इसको। व्हाट इज दिस, हैप्पी बर्थडे, हम लोग गुड डे। अरे फोटो देखिए, अभी अपने साइड की फोटो देखिए, और ले फोटो लेते हो तो उसी साथ शस्त्र पूजा करते हुए दो तालियों के साथ दोनों हाथ उठा के सेवा करेंगे राधा नाम का। फिर अभी डांस प्रोग्राम भी है आज, सब में थोड़ा सा गाड़ी में गाड़ी गाड़ी मांग रहा था, शेयर को दे देगा।
हमारी भावना का दिमाग बहुत अच्छा है, पर ब्लॉगर पूरा है मेरा दिमाग, पर ब्लॉगर प्लीज लाइक शेयर कमेंट, मेरा दिमाग पूरा है, ऐसे लोगों के साथ मैं रह रही हूँ। लो लो ना। ये मुझे गाड़ी क्या गया, एक दो चार पाँच क्या ले गया? वो नहीं है, ये क्या बोलते हैं इसको, उसमें तो तीन पीस कर रहे हैं। सो मैं चार्जर ले जाना भूल गई थी, तो इसके बाद में मेरा फ़ोन है वो डिस्चार्ज हो चुका था, एक्चुअली स्विच ऑफ ही हो चुका था। सो उसके बाद में मैंने कोई शूट नहीं किया था, हमें 12:30 बज गए थे, आशीष और दया घर चले गए थे, मैं वहीं रुकी थी भुआसा के रात को और मॉर्निंग में आई थी। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करती हूँ, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन है मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय।